क्या आपने तो देख लिया तमाम सारी चीजें, रुख भांप लिया, तो क्या जो ये कह रहे हैं छोटू भाई उसका जवाब है आपके पास? बिल्कुल जवाब है। मैं पूछना चाहता हूँ बिहार से कि जंगल राज चाहिए के अमन के राज चाहिए? अमन का राज चाहिए तो जो सरकार है आज वो अमन का रास्ता के रास्ते में है, और जो 15 साल का जंगल राज देखा है लोगों ने वो सबको मालूम है, राबड़ी और लालू यादव की सरकार किस तरह से लूटपाट कर यहाँ माहौल रहता था, रोड पे चलना मुश्किल, घर में कोई घर बनाया अच्छा तो उसको लूट के ले जाने वाले लालू यादव और उनके घर के लोग, आज करप्शन कम है, क्राइम कम है, आज यहाँ करप्शन और क्राइम दोनों कम है, इसलिए कि यहाँ नीतीश बाबू की, सुशासन बाबू की एक अच्छी सरकार है। जी 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 जी, जी कोई जवाब है? क्या कर रहे थे? कह रहे थे ये कि आप बहुत अच्छे हैं। हम अच्छे तो है इसीलिए तो। अरे आँख कान नाक खोल के सुनिए, नहीं तो ये चुनाव है, फिसल जाएंगे। झूठे लोगों के प्रवक्ताओं की बात सुनना हमने बंद कर दिया है, करने वाले मीडिया को देखना और पढ़ना छोड़ दिया है। है। और जनता मीडिया को तो हम देख लेंगे, आप आइए। जनता के सवाल पर हम लड़ते हैं तो जनता के बीच में रहते हैं, जनता उनको जवाब देगी। ये लोग दलाली करना बंद करें। क्या नाम हो गया? हम बेरोजगार हैं, हम रोजगार चाहते हैं, हम अमन चैन चाहते हैं, हम सांप्रदायिक लोगों को धता बताना चाहते हैं। इनके कहने से लोग वोट न देने वाले लोग हैं, जुमलाबाजी सब काम नहीं चलने वाले, नीतिकरण कर रहे हैं। ये सुनिए, भेदभाव करने वाले लोग हैं, ये र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी के लोग हैं, ये लोग अफवाह फैला कर जनता को गुमराह करने वाले लोग हैं। हम लोग रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान और मजबूत लोकतंत्र के लड़ने वाले लोग हैं। ऐसे ऐसे लोगों से हम लोग दो हाथ करने के लिए। अरे यहाँ पे कुश्ती नहीं, अरे कुश्ती नहीं है के माध्यम से झूठे लोगों को हम बात नहीं सुन। अरे कुश्ती नहीं अभी। अवधेश जी, अवधेश जी, आज प्रोग्राम जो है सुरों में है, सुर में है प्रोग्राम। बहुत अच्छी बात है, आप हैं तो सुर में होना चाहिए, तो बस सुर में ही रहेंगे, जवाब आप देंगे। अवधेश जी, चमचों ने गिराई थी वो सरकार पुरानी, याद है ना? नहीं याद? अच्छा चलो 15 साल वाली बात बताएंगे बाद। जी जी, देखिए बड़ा आश्चर्य होता है। हाँ। अभी गाने के माध्यम से छोटू भाई कह रहे थे। हाँ। कि आलू खाना मुश्किल हो गया, प्याज। हाँ। खाना मुश्किल हो गया। हाँ। हाँ। चारा खाना भी मुश्किल हो गया। हाँ। अब आप चारा नहीं खा सकते हैं। हाँ। ये सुशासनी सरकार है, यहाँ घोटाले नहीं होते हैं। और देखिए एक मिनट, मैं आता हूँ। रोजगार की बात कौन कर रहा है? एक ऐसा युवा कर रहा है, आप बोल लीजिए, हम नहीं बोलते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, आप बोले दीजिए, बोलिए फिर जवाब दीजिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास। हमारे देश में, हमारे राज्य में नौकरी का एक नियम है जी, हमारे यहाँ 9वीं फेल को चपरासी की भी नौकरी नहीं मिलती है। अब कुछ साहब, लेकिन सारे लोग सम्मानीय हैं, चाहे नीचे वाला हो, चाहे ऊपर वाला हो, चाहे कोई हो।